नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनुशासनात्मक ज्ञान, डिसिप्लिनरी नॉलेज। नॉलेज इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल से आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आते हैं उनको पुराने वीडियोज़ नहीं मिल पाती हैं। अक्सर मैंने कमेंट बॉक्स में भी देखा है कि इस टॉपिक पर डाली जो कि वीडियोज पहले से अपलोडेड है, तो वो उन वीडियोज़ को लाइन से नहीं मिल पाती, उनको अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको सभी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेंगी। उनके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको सभी वीडियोज़ लाइन वाइज बिना किसी प्रॉब्लम के आपको सभी अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग जिस वीडियो को चाहते हैं उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। दोस्तों अनुशासनात्मक ज्ञान को समझने से पहले हम अनुशासन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर अनुशासन एक ऐसा शब्द है, वो शब्द है जिसका प्रयोग हम कहीं में करते हैं, ज्ञान को दिखाने के लिए, निपुणता को दिखाने के लिए, हम किसी चीज़ में कितने परफेक्ट हैं, कौशल को दिखाने के लिए हमारे पास क्या क्या स्किल्स हैं, परियोजनाओं को दिखाने के लिए, प्रोजेक्ट्स को दिखाने के लिए, समुदायों के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए, समस्याओं को, किसी प्रॉब्लम को दिखाने के लिए, चुनौती को दिखाने के लिए, अध्ययन के लिए, पूछताछ के लिए, दृष्टिकोण के लिए, अनुसंधान क्षेत्रों के प्रकारों के लिए आदि। इन सभी का जो जो मैंने अभी बताए हैं आपको, इन सभी का वर्णन करने के लिए, इन सभी को एक्सप्लेन करने के लिए हम डिसिप्लिन शब्द का, अनुशासन शब्द का यूज़ करते हैं। अब इन सभी को अगर हम भूल जाएं तो एक मोटे तौर पर अगर हम जाना चाहें बिना किसी डीप स्टडी में जाए कि आपके समझ में भी आ जाए, तो यहाँ पर आप अनुशासन का मतलब विषय से लेंगे। और आप अपने करिकुलम में, सिलेबस में देखेंगे तो यहाँ पर विषय से आप मतलब लेंगे, कैसे वो आपको आगे आगे क्लियर होता जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट से जोड़कर चलेंगे आप जहाँ भी अनुशासन दिखेगा, आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगी कैसे कैसे। एग्जाम्पल के लिए मैंने सब चीज़ बोला कि अनुशासन का प्रयोग इन सभी चीज़ों का एक्सप्लेन करने के लिए, इन सभी चीज़ों का वर्णन करने के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे जो गुरुत्वाकर्षण की घटना है, गुरुत्वाकर्षण होता है कि कोई धरती जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये घटना दृढ़ता से भौतिकी के अकादमिक विषय से जुड़ी हुई है। दृढ़ता से यानी कि मजबूती से जुड़ी हुई है, किससे? भौतिक विषय के, फिजिक्स के अकादमिक विषय से, यानी जो अकादमिक यानी कि एकेडमिक सब्जेक्ट हैं उसमें जो हमारा फिजिक्स है उससे जुड़ा हुआ है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स हमारा एकेडमिक सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स उसका एक पार्ट है, समझ गए। और इसलिए गुरुत्वाकर्षण को भौतिकी के अनुशासनात्मक ज्ञान का हिस्सा माना जाता है। यहाँ पर आपको समझने के थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन है, वो फिजिक्स से, एकेडमिक सब्जेक्ट्स में जो फिजिक्स है उसका एक पार्ट है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशन जो है वो हमारे फिजिक्स का डिसिप्लिनरी नॉलेज माना जा सकता है। हमारा फिजिक्स एक सब्जेक्ट है जो हमारे एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट है। फिजिक्स में आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो विषय आप पढ़ रहे हैं, उनको हम डिसिप्लिनरी नॉलेज कहते हैं, अनुशासनात्मक ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, जिस चीज़ में हमने कौशल प्राप्त किया, ये एक टॉपिक है। कौशल भी ऐसे ही होता है, मान लीजिए हम माइक्रो टीचिंग का ही हम देखते हैं कौशल को, एक इंट्रोडक्शन स्किल है, तो हम उसमें कौशल स्किल्स प्राप्त कर लिए हमने, कि हमने एक टॉपिक पढ़ लिया इंट्रोडक्शन स्किल के बारे में कि हम क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो कुल मिलाकर अनुशासनात्मक ज्ञान ये होता है कि हम किसी सब्जेक्ट में क्या विषय पढ़ रहे हैं, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, किस बारे में हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो हमारा डिसिप्लिनरी नॉलेज है। जब हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में जान लेंगे, उसकी नॉलेज हम प्राप्त कर लेंगे, तो गुरुत्वाकर्षण की जो नॉलेज है वो हमारी डिसिप्लिनरी नॉलेज है, जो कि हमारे अकेडमिक सब्जेक्ट के फिजिक्स सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। ठीक है, डिसिप्लिनरी इज अ टर्म, एक टर्म है, शब्द है, यूज टू डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ नॉलेज, एक्सपर्टाइज, स्किल्स एटसेट्रा। इन सभी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ये सभी चीज़ें जो भी मैंने बताई, चाहे चैलेंज हो, प्रॉब्लम हो, कम्युनिटी हो, प्रोजेक्ट हो, स्कूल्स हो, ये सभी क्या है, हमारे एकेडमिक डिसिप्लिन से, यानी कि एकेडमिक एरियाज जो हैं हमारे, एजुकेशन का एरिया जो है उनसे जुड़ी हुई है, उन्हीं से तो रिलेटेड हैं सभी चीज़ें। आगे चलते हैं कि क्लोजली एसोसिएटेड टर्म्स इंक्लूडेड, कौन कौन से टर्म्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। पहला है बहुविषयक, मल्टी डिसिप्लिनरी, अंतः विषय, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी
और क्रॉस डिसिप्लिनरी, इनको हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। देखते हैं बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी क्या है। बहुविषयक नाम से पता लग रहा है जहाँ पर बहु विषय हों, यानी कि दो से ज़्यादा विषय को यूज़ किया हुआ हो, दो से ज़्यादा टॉपिक्स हों, दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हों। बहुविषयक एक से अधिक वर्तमान शैक्षणिक अनुशासन या पेशे से जुड़ी ज्ञान को संदर्भित करता है यानी कि बताता है। ठीक है, बहुविषयक क्या हो गया, एक से अधिक, बहु का मतलब हो गया एक से ज़्यादा, मल्टी, अगर हम किसी भी चीज़ में मल्टी का यूज़ करें तो वहाँ पर दो से ज़्यादा या एक एक से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वर्तमान जो कि इस समय मॉडर्न टाइम में वर्तमान में चल रहा है शैक्षणिक अनुशासन जो है हमारे, जो हमारे एजुकेशनल डिसिप्लिन हैं या फिर कोई पेशा है, कोई प्रोफेशंस है, उनसे जो भी जुड़ा हुआ ज्ञान है, नॉलेज है, उसको संदर्भित करता है। अभी मैंने आपको बताया है कि डिसिप्लिनरी नॉलेज हमारा क्या है, एकेडमिक डिसिप्लिन से जुड़े हुए, एकेडमिक सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो भी नॉलेज हम प्राप्त कर रहे हैं वो हमारी डिसिप्लिनरी नॉलेज है। वहीं पर अगर मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करें, अगर हम एक साथ कई ज़्यादा एकेडमिक एरिया से, एकेडमिक डिसिप्लिन से जुड़ी बातों को, नॉलेज को हम प्राप्त करते हैं तो वहाँ पे होता है मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, सेम वही डिसिप्लिनरी जो है वहाँ पर हम एक का अध्ययन करते हैं, एक के बारे में जानते हैं, यहाँ पर हम बहुत सारे का अध्ययन कर सकते हैं। एक बहुविषयक समुदाय जो होता है, या कोई प्रोजेक्ट हम ले लें या कोई कम्युनिटी ले लें जो कि बहुविषयक हो, मल्टी डिसिप्लिनरी हो, ठीक है, वो विभिन्न विषयों और व्यवसाय के लोगों से बनता है, अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग डिसिप्लिन से, अलग अलग प्रोफेशन से मिलकर बनता है। मैंने कहा बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी, तो कई सारे लोगों से मिलकर जोड़कर बनाया जाता है। जो एक आम चुनौती, कैसे लोगों को जोड़कर करते हैं, जो एक आम चुनौती, जो नॉर्मल हमारी प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं होती, चुनौतियाँ होती, चैलेंजेस होते हैं, उनको संबोधित करने में समान हितधारकों के रूप में एक साथ काम करने में लगी हुई हूँ। यानी कि ये एक ऐसा बहुविषयक समुदाय, अगर हम बात करें मल्टी डिसिप्लिनरी कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर बहुत सारे लोग या बहुत सारे प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, पेशेवर जो लोग होते हैं, वो एक साथ एक किसी एक पर्टिकुलर कोई चैलेंज हमने ले लिया, नॉर्मल चैलेंज, उसको बताने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए समान हितधारकों के रूप में समान रूप से इक्वली काम करते हैं एक साथ। ठीक है, आगे चलते हैं अंतः विषय, इंटर डिसिप्लिनरी। अंतः विषय नए ज्ञान के विस्तार को संदर्भित करता है। इसका मतलब है कि हम कोई नई नॉलेज का विस्तार कर रहे हैं, उसका फैलाव कर रहे हैं, उसका एक्सटेंशन कर रहे हैं, जो वर्तमान अकादमिक विषयों या व्यवसायों को बीच या उससे परे मौजूद हो, उन सभी ज्ञान को का विस्तार कर रहे हैं, उन सभी ज्ञान को फैला रहे हैं जो कि वर्तमान में, फिलहाल हाल ही में, जो हमारे एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं उनमें, जो प्रोफेशंस हैं उनमें, उनके बीच में मौजूद हो या फिर उनसे आगे मौजूद हो, यानी कि इंक्लूडेड हो। नए ज्ञान का दावा किसी एक, दोनों या एक उभरते हुए नए अकादमिक अनुशासन या पेशे के सदस्य द्वारा नहीं किया जा सकता। नए ज्ञान का जो दावा है, अगर हम कोई न्यू नॉलेज हम गेन कर रहे हैं तो उसका जो दावा है कि हाँ ये ज्ञान सही है कि गलत है, उसका जो हम दावा करते हैं, वो किसी एक के द्वारा या दोनों के द्वारा या फिर एक उभरते हुए अकादमिक, कोई जो अभी नया ही है, उभरता हुआ है अकेडमी डिसिप्लिन है, उसके द्वारा, उसके सदस्यों के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अभी खुद ही नया है, सिर्फ उभरता हुआ है, वो पहले से ही एक फेमस या फिर डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, उभरता हुआ है, डेवलपमेंट प्रोसेस में है वो, तो उसके सदस्यों के द्वारा नहीं किया जा सकता। एक अंतः विषय समुदाय, जो हमने पहले बात की थी बहुविषयक समुदाय, यहाँ पर हम बात करेंगे अंतः विषय समुदाय या कोई प्रोजेक्ट हो गया, कई विषय और व्यवसाय के लोगों से बना होता है। ऊपर भी सेम था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जो एक सामान्य चुनौती को संबोधित करने में समान हितधारकों के रूप में एक साथ काम करने के साथ साथ नए ज्ञान को बनाने और लागू करने में लगे होते हैं। वहाँ पर जो हमने बहुविषयक में बात की थी, वहाँ पर जो समुदाय के लोग थे वो एक साथ उन चुनौतियों को संबोधित करने में लगे हुए थे, यहाँ पर उन चुनौतियों को संबोधित करने के साथ साथ नए ज्ञान को, नए नॉलेज को, नए डिसिप्लिन्स को बनाने में और लागू करने में लगे हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांसडिसिप्लिनरी। ट्रांसडिसिप्लिनरी उस ज्ञान को संदर्भित करता है, उस ज्ञान के बारे में बताता है जो हर व्यक्ति में मौजूद है, पहले से ही हर
पर्सन्स में पहले से ही मौजूद है। इस प्रकार अनुशासन सीमाओं की आवश्यकताओं को समाप्त करता है। ठीक है, एक जो ट्रांसडिसिप्लिनरी समुदाय है या उसके समुदाय के लोग हैं वो ट्रांसडिसिप्लिनरी पेशेवरों से बना होता है, यानी पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उनसे बना हुआ होता है, जो एक आदर्श है जिसे केवल संपर्क किया जाता है और वास्तव में अभ्यास से हासिल नहीं किया जा सकता। वो पहले से ही प्रोफेशनल्स हैं, आइडियल्स हैं, उन्हें किसी प्रैक्टिस से हासिल जल्दी से आसानी से नहीं किया। आज के समय में जो मौजूद होने के लिए एक ट्रांसडिसिप्लिनरी पेशेवर के पास सभी विषयों के प्रमाणन या डिग्री के साथ साथ सभी विषयों में अनुभव होना चाहिए या होगा। मतलब सिर्फ प्रैक्टिस से हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, हमारे पास उनके सभी के लिए जो डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं और जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूरी होना चाहिए। सिर्फ हम प्रैक्टिस से हम उसको गेन नहीं कर सकते, प्रोफेशनल्स होने चाहिए, सभी की डिग्रियाँ, सभी के सर्टिफिकेट हमारे पास होने चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं क्रॉस डिसिप्लिनरी। क्रॉस डिसिप्लिनरी उस ज्ञान को संदर्भित करता है, उस नॉलेज को बताता है जो एक विषय के पहलू को दूसरे विषय के संदर्भ में बताता है। यानी कोई एक सब्जेक्ट को कोई एक डिसिप्लिन है उसके बारे में जो बता रहा है वो दूसरे के संदर्भ में बताएगा। ठीक है, एक विषय के पहलू को, एक विषय के ज्ञान को दूसरे विषय के, दूसरे सब्जेक्ट के संदर्भ में बताता है। अगर हम कहें कि फिजिक्स की कोई नॉलेज है उसको मैथ्स के उसमें बताता है, या मैथ्स की कोई नॉलेज हम कर रहे हैं उसको फिजिक्स के संदर्भ में, फिजिक्स के से रिलेटेड करके बताता है। क्रॉस डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण के सामान्य उदाहरण संगीत का, भौतिकी का या साहित्य की राजनीति का अध्ययन है। हम अगर राजनीति का अध्ययन करें, संगीत का अध्ययन करें तो इनको हम कहेंगे क्रॉस डिसिप्लिनरी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो यूज़फुल लग रही है, आपको कुछ भी अच्छा समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आगे और वीडियोस, अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसके नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी होती रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।